हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ, जो कि हम करें बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो बहुत बेसिक आपको मैं सिखा रहा हूँ और आप इस सीरीज के साथ बने रहो। इस सीरीज के साथ आप बने रहोगे, डेफिनेटली आपको आप एक दिन कहोगे कि मैथ में आप बहुत एक्सपर्ट भी हो रहे हो और छोटी छोटी बातें जो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप उसको सीख पा रहे हो, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालना, चाहे वो एक निकालना हो चाहे कई सारे निकाल लें आपको, है ना। पाँच निकाल लें, दस निकाल लो, पंद्रह निकाल लो, कितने निकाल लें हो, और चाहे एक निकालना, तो फिर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कैसे निकालना है, आज हम उसको सीखते हैं। तो बच्चा बहुत परेशान होता है ना, कैसे निकाला जाता है यार। और आज मैं उसको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे जैसे हम निकालने के बाद उसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि हाँ उसके बीच का ही नंबर है ये, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अभी क्या होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जब आपको रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन टू, तो दो तरीका होता है, दो टाइप होता है मेरे बच्चे। या तो एक निकालना, वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, सिर्फ वन, है ना, वन रैशनल नंबर। और होता है मोर देन वन, मोर देन वन मतलब आपके पास, मोर देन वन का मतलब हो गया मेरे बच्चे, क्या हो सकता है आपके पास एक निकल रहा है, दो निकल रहा है, चार, छः, आठ, मतलब एक निकल रहा है या एक से ज़्यादा निकल रहा है। जब एक निकलवाते तो हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा निकालते हैं मेरे बच्चे, तो हमें थोड़ा सा एक अलग ट्रिक और टेक्निक लगा के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको देखते किस तरीके से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आज आपको एक एग्जांपल लूँगा, दो रैशनल नंबर्स लेता हूँ मेरे बच्चे, और उसके बीच में एक, पहले तो उस रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर निकालूंगा, और फिर उस रैशनल नंबर के बीच में हम निकालेंगे पाँच नंबर, उस रैशनल नंबर के बीच में पाँच और रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं हम कैसे उसको डील करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एज्यूम करते हैं मेरा बच्चा, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, थ्री एंड फोर, ये क्वेश्चन है। इन ये दो रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे आप एक एज्यूम कर लेंगे तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच का तीन और चार के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पहले, ठीक है मेरे बच्चे। तो एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का सीधा सीधा फार्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला हो जाता है मेरे बच्चे, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो एक्स प्लस ये बोल दो वाई, है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, एक्स प्लस में वाई अपॉन टू। तो अगर आपने तीन प्लस में चार को जोड़ा, बटा दो लगाया, तो ये सात बटा दो क्या हो गया मेरे बच्चे, सात बटा दो जो है वो 3.5 हो गया, सात बटा दो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, देखो तीन और चार के बीच में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 7/2 तो 3.5 आता है। तो देखो ये तीन से ज़्यादा है, चार से कम है, यानी ये जो 7/2 है मेरे बच्चे इसके बीच में ही आ रहा है, तीन और चार के बीच में आ रहा है। तो जब हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो बिल्कुल सिंपल, आप इन दोनों नंबर को जोड़ दो, उसको एक्स वाई मानते हो, दोनों नंबर को जोड़ दो, डिवाइड बाई टू कर दो, दैट द आंसर। वो आपका जो आएगा एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मेरे बच्चे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है, इसके बीच में आपको चार निकालने रैशनल नंबर, पाँच निकालना, ऐसे करके ज़्यादा बोल देते हैं, तो फिर वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम यह देखते हैं किस तरीके से हमें एक से ज़्यादा रैशनल नंबर हम निकालते हैं। यानी अब मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ मेरे बच्चे, तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, नोट कर लेना। हम मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और अब हमारा मकसद क्या है, इन दोनों यानी तीन और चार के बीच में पाँच रैशनल नंबर निकालना, कितने पाँच, और बहुत ईजी तरीके से हम निकालते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है दोनों से बड़ा कौन है मेरे बच्चे। तो दोनों से हमने देखा कि जो बड़ा नंबर है वो चार है, क्या है, चार है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको वाई एज्यूम कर लेंगे, लेट, है ना, वाई इक्वल टू फोर, और जो छोटा है उसको थ्री एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर हमें निकालना होता है डी, क्या निकालना होता है, डी, डी निकालने का फार्मूला होता है वाई माइनस में एक्स, ठीक है। और एक चीज़ और हमें लेना होता है ना, वाई एक्स, और एक और चीज़ लेना होता है एन। एन वो संख्या होती है मेरे बच्चे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, पाँच रैशनल नंबर निकालना है, छः रैशनल नंबर निकालना है, चार रैशनल, अगर आपने चार बोला तो एन की वैल्यू चार हो जाएगी, अगर बोलते तीन रैशनल नंबर निकालो तो तीन हो जाएगा, अगर आपसे पूछता है पाँच रैशनल नंबर तो एन फाइव। तो अभी मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन कितना निकाला जा रहा, पाँच रैशनल नंबर, एन की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, फाइव, ठीक है। तो वाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एन प्लस में वन, एन प्लस में क्या हो जाता है, वन हो जाता है मेरे बच्चे। तो ये जो वाई की वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू चार है ना, तो चार माइनस में तीन, और एन प्लस वन यानी पाँच प्लस में एक, तो ये हो गया चार में से एक गया, चार में से तीन गया तो एक, और पाँच, पाँच और एक के दिया क्या हो गया आपके बच्चे, तो ये जो डी की वैल्यू है वो निकल के आ गया 1/6, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ,
जो बड़ी वैल्यू है मेरे बच्चे उसको वाई मानना है। मैंने चार तीन और चार में चार बड़ी उसको वाई माना, छोटे वाले को एक्स मान लिया। एन वो संख्या होती है जितने आपको रैशनल नंबर निकालना है, एन की वैल्यू फाइव हो गई। डी निकालने का फार्मूला होता है वाई माइनस एक्स एन प्लस में वन। तो वाई वाई था हमारे पास चार, चार माइनस में तीन और एन प्लस वन यानी पाँच, पाँच प्लस में एक, तो चार में से तीन का एक और पाँच प्लस एक छः हो गया। तो एक बटा छः हमारा डी निकल के आ गया। अब लिखोगे हैंस फाइव रैशनल नंबर्स, फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, बिटवीन थ्री एंड फोर। तो आपको क्या करना है, मेरे को इसका फार्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, एक्स प्लस में डी, एक्स प्लस में टू डी, एक्स प्लस में थ्री डी, एक्स प्लस में फोर डी और एक्स प्लस में फाइव डी। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, थ्री। ये देखो थ्री था एक्स की वैल्यू, थ्री डाला मैंने और डी क्या निकल के आया वन बाई सिक्स। फिर मैंने एक्स की वैल्यू क्या डाला, थ्री। और देखो टू और डी की जो वैल्यू है वो वन बाई सिक्स है, क्योंकि बीच कोई नहीं गुना के साथ, तो वन बाई सिक्स। एक्स की वैल्यू थ्री है तो थ्री इंटू में डी की वैल्यू वन बाई सिक्स। फिर एक्स प्लस में एक्स की वैल्यू थ्री है मेरे बच्चा, थ्री लिख दिया, फोर इंटू में वन बाई सिक्स। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास थ्री है, देखो एक्स की वैल्यू थ्री है, फिर प्लस, फिर फाइव इंटू में वन बाई सिक्स। ठीक है, एक स्टेप में मैंने इसकी वैल्यू डाल दी एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू थ्री है, थ्री डाला, डी की वैल्यू वन बाई सिक्स। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ क्या है मेरा बच्चा, थ्री प्लस में वन बाई सिक्स। आप चाहो वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, है ना, लेकिन मैं लिख देता हूँ डिटेल में, आप फिर बाद में जितना भी शॉर्टकट कर सकते हैं उसको करना है, टाइम बचाना है। ठीक है ना, ये देखना आपको। तो ये हो गया आपके पास दो बटा छः, ये अगर तीन प्लस में तीन से गुना करेंगे तो तीन बटा छः, और तीन से गुना करेंगे तो चार, चार एकम तो चार बटा छः, और यहाँ पे गॉम आ गया तो तीन प्लस में पाँच बटा छः। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, अब वापिस एलसीएम ले लो, छः इसका एलसीएम आ गया मेरा बच्चा। देखो यहाँ फॉर्म आया एक दो तीन चार पाँच, चल रहा ध्यान रखना है। तो अब इसके नीचे क्योंकि ये पी वाई की के फॉर्म में, ये पी वाई की, तो इसके नीचे वन एज्यूम करेंगे। छः इसका एलसीएम आ गया मेरा बच्चा, है ना। तो एक छः एलसीएम आ गया, तो एक को छः से करा तो छः, एक को पहाड़े में छः बार में, तो छः थी अठारह हो गया, अठारह प्लस में एक, ऐसे छः आपके पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। फिर से छः थी अठारह प्लस में दो, फिर छः आपके पास एलसीएम आ जाएगा, छः थी अठारह प्लस में तीन, फिर आपके पास छः एलसीएम आ जाएगा, छः थी अठारह प्लस में चार। अच्छा, फिर छः आपके पास एलसीएम आ जाएगा, छः थी अठारह प्लस में पाँच, डन। तो उसको जोड़ेंगे तो उन्नीस बटा छः, ये आ गया आपके पास बीस बटा छः, ये आ गया अठारह तीन इक्कीस बटा छः। देखो एक बार आ जाएगा आप सिक्वेंस, फिर आपको कुछ नहीं देगा, सिक्वेंस में ले लो, बाईस बटा छः, तेईस बटा छः, ऐसे लिख सकते हो आप, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है। देखो 19 से शुरू हुआ, एक एक बढ़ता जा रहा है 20, 21 वाइस तरीके से। तो ये जो नंबर है मेरा बच्चा 19 बटा 6, 20 बटा 6, 21 बटा 6, 22 बटा 6, 23 बटा 6, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। सर दीखता तो नहीं है, दीख तो है नहीं है, किसके बीच में आ रहा है? तो सर वेरीफाई करके देखो। हाँ जी, एक मिनट में वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो 19 बटा 6, 20 बटा 6, 21 बटा 6, 22 बटा 6 और 23 बटा 6 आया है, वो इन दोनों के बीच में ही आता है। इसकी वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है अब आपको। ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वेरिफिकेशन, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए कि हमने जो निकाला है वो ठीक निकाला है। ये आपको आइए, आपके स्कूल में टीचर नहीं बताती वेरिफिकेशन, आप देख लो यहाँ पर कैसे निकालना है। ठीक है, देखो 19 बटा 6 चेक करते हैं, क्या 19 बटा 6 इन दोनों के बीच में आएगा? 19 बटा 6 उन्नीस बटा छः को 19 को भाग कर लो ना, 19 को 6 से भाग कर लो, 6 थी 18 बच गया एक, फिर 6 कम 6 एक जीरो था, 6 कम 6 बच गया 4, तो 3.1 आ रहा है। तो 3.1 देखो ना, 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, इसका मतलब जो 19 बटा 6 है वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, राइट। अच्छा, 20 बटा 6 को भी देख लो, मान लो 20 बटा 6 अगला 20 बटा 6 आया था, तो 20 को फिर से 20 को डिवाइड कर लो 6 से, 6 थी 18 बच गया, तो फिर पॉइंट लगाओगे तो जीरो उतारा आपने, फिर छः थी 18 बच गया, तो 3.3, तो 3.3 3 से ज़्यादा है, 6 से कम, 4 से कम है। आखिरी वाला देखते हैं, 23 बटा 6 देख लेते, तो 6 थी 18 मेरा बच्चा बच गया 5, फिर 6 थी 48 बच गया, तो 3.8 आ रहा है। यानी 23 बटा 6 का मतलब ये जो आपका लास्ट वाला 23 बटा 6 था वो, उसको देखा जाए तो उसकी वैल्यू अभी 3.8 आई है। तो देखो 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, तो इस तरीके से आपको सोचना है मेरा बच्चा। ये जो मेरा निकल गया है 9 बटा 19 बटा 6 20 बटा 6 21 बटा 6 22 बटा 6 23 बटा 6, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है। और इस तरीके से आप कंप्लीट ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलना है। और बात एग्जाम की नहीं है, आज हम यहाँ ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर चल रहा है। आपको एग्जाम को नहीं देखना, आपको देखना है कि मेरे को मैथ में एक्सपर्ट बनना है या नहीं। ये छोटी छोटी बात आपको सीखनी है। बच्चा परेशान होता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे तो फिर क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ों को मैथ में आप डील कर पाओगे। तो इस चैनल के साथ बने रहना है आपको, भूलना नहीं है। और एक लगातार हम एक सीरीज को चल रहे हैं, मोर देन 100 वीडियोज में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब भी इस वीडियो अपलोड हो तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखें, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।